हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं ब्रिजराज, कंप्यूटर टीचर। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, क्लास प्लस वन, चैप्टर थ्री, कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स में इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स और राइट एंड एप्रोप्रिएट वर्ड मींस वन वर्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आओ देखते हैं। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड डाटा टाइप इन सी लैंग्वेज, मींस इनमें से कौन सा सी लैंग्वेज का सही डाटा टाइप नहीं है। इट्स ऑप्शंस आर कैर, फ्लोट, लॉन्ग और डबल। इनमें से जो कैर है वो सी का डाटा टाइप नहीं है। वैसे कैर सी में डाटा टाइप होता है। ये यहां पे गलत क्यों है? क्योंकि यहां पे जो कैर के स्पेलिंग है वो क्या है, सी बड़ा है, बाकी कैरेक्टर छोटे हैं। जबकि जो कैर डाटा टाइप होता है उसमें सारे कैरेक्टर छोटे होते हैं। तो कैर का मतलब होता है करेक्टर। करेक्टर का मतलब कि सी लैंग्वेज में जब हम सिंगल कोर्स में कोई एक करेक्टर स्टोर करते हैं, एक कोई स्पेशल करेक्टर या डिजिट स्टोर करते हैं, तो उसको बोलते हैं करेक्टर। और फ्लोट का मतलब होता है जिसके अंदर विदाउट डेसिमल पॉइंट वैल्यू हो और ये 4 बाइट स्टोर करता है। और जो थर्ड ऑप्शन है सी लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब होता है कि इसके अंदर हम विदाउट डेसिमल पॉइंट वैल्यू ले सकते हैं। और डबल, डबल फ्लोट का डबल होता है। अगर फ्लोट 4 बाइट ले रहा है और डबल कितने बाइट लेगा, 8, तो इसका आंसर कैर है। और कैर जो है वैलिड डाटा टाइप क्यों नहीं है, मैंने बता दिया, क्योंकि इसमें सी बड़ा है। अगर सी छोटा होता तो वो सही होता। नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अर्थमेटिक ऑपरेटर, इनमें से कौन सा सी में अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं है। इट्स ऑप्शंस आर प्लस, एंड, परसेंटेज और स्टार। इसका आंसर है एंड, कि इनमें से जो एंड है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं है। अर्थमेटिक ऑपरेटर वो होते हैं जो मैथमेटिकल काम करने के काम आते हैं। जैसे प्लस का मतलब एडिशन, परसेंटेज का मतलब मॉडुलस, जहां पे मॉडुलस का मतलब है कि दो इंटीजर नंबरों को जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर निकालेगा परसेंटेज। और स्टार का मतलब सी में होता है मल्टीप्लाई। थर्ड है द ऑपरेटर परसेंटेज कैन बी अप्लाइड टू, सी लैंग्वेज में परसेंटेज का काम क्या है, परसेंटेज को सी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मॉडुलस। ये एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है और ये रिमाइंडर निकालने के काम आते हैं। रिमाइंडर तभी निकलेगा अगर आपके दोनों नंबर इंटीजर होंगे। इंटीजर नंबर वो होते हैं जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं आता। इसके ऑप्शंस हैं फ्लोट वैल्यूज, डबल वैल्यूज, इंटीग्रल वैल्यूज और ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर है इंटीग्रल वैल्यूज। इंटीग्रल वैल्यूज वो होती हैं जिनको इंटीजर वैल्यूज भी कहा जाता है। इनके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं आता। और जो मॉडुलस ऑपरेटर है, रिमाइंडर है, वो हमेशा इंटीजर वैल्यूज पर ही अप्लाई होता है, उसको फ्लोट वैल्यू पे अप्लाई नहीं कर सकते। नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड इंटीजर कॉन्स्टेंट ऑफ टाइप इंट, मीन्स इनमें से कौन सा इंटीजर डाटा टाइप का सही पूर्ण अंक नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं 3750, 3800, -32767 और 0। इसका सही आंसर है 32800। ये क्यों है? क्योंकि इंटीजर में जो नंबर्स होते हैं उसकी जो रेंज होती है वो होती है -32768 से लेके 32767, मीन्स -32768 से लेके 32767 तक। इसके बीच बीच जो नंबर आएगा वो नंबर इसमें स्टोर होगा, उससे ना ही छोटा नंबर स्टोर होगा और ना ही बड़ा। मिनिमम रेंज क्या होगी, -32768, और मैक्सिमम रेंज क्या होगी, 32767। और जो 32800 वैल्यू है जिससे बड़ी आ रही है 32767 से बड़ी, इसलिए ये वैल्यू वैलिड नहीं है। नेक्स्ट फिफ्थ, ए वेरिएबल ऑफ द
इंट इन सी कैन टेक ए वैल्यू इन द रेंज, कि सी में जो इंटीजर टाइप वैल्यू है उसकी रेंज क्या होती है। इसके ऑप्शन है 0 to 3 to 7 6 7, बी ऑप्शन है 0 to 6 5 5 3 5, सी ऑप्शन है -3 to 7 6 8 से लेके 3 to 7 6 7 तक, और डी ऑप्शन है -3 to 7 6 7 से लेके 3 to 7 6 8 तक। इसका सही आंसर है -3 to 7 6 8 से लेके 3 to 7 6 7 तक। पिछले एग्जाम्पल में मैं आपको बताया था कि यहाँ पे 3 to 8 00 गलत क्यों है, क्योंकि जो इंटीजर की रेंज है वो क्या होती है, -32768 से लेके 32767 तक। तो ये इंटीजर की रेंज है, इसी रेंज में वैल्यू आ सकती है, इससे छोटी वैल्यू नहीं हो सकती -3 to 7 6 8 से लेके, और 3 to 7 6 7 से लेके बड़ी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकती। अगर इससे बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है तो इंटीजर में एक लॉन्ग डाटा टाइप होता है, उसको हम यूज कर सकते हैं। सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिजर्व वर्ड इन सी लैंग्वेज, कि इनमें से कौन सा सी लैंग्वेज में रिजर्व वर्ड नहीं है। सी लैंग्वेज में रिजर्व वर्ड को की वर्ड्स बोलते हैं, और सी में 32 की वर्ड्स होते हैं, और जो की वर्ड्स हैं उनकी खासियत क्या होती है, जी हमेशा स्मॉल लेटर्स में आते हैं। इसके ऑप्शन है 4, गो टू, डू और स्विच। इसका सही आंसर है डू, कि जो डू है वो कीवर्ड नहीं है, जो फोर है जो लूप के लिए यूज होता है, गो टू जंपिंग स्टेटमेंट है, और स्विच अगर आपने काफी ज्यादा वैल्यूज में से किसी एक वैल्यू को रन करना हो तो गलत क्या कौन सा होगा, डू। अगर डी और डू होता फिर सही होना था, लेकिन यहाँ पे डी डबल ओ है इसलिए ये गलत है। सेवंथ क्वेश्चन इज, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 5/6/3 + 8/3, कि इसका आंसर क्या आएगा। इसके ऑप्शंस हैं 4, 2, 2.333 अप्रोक्सीमेट और नन ऑफ दीज। इसमें सबसे पहले हम 5 को 6 से डिवाइड करेंगे। यहां पे हम इंटीजर कैलकुलेशन करेंगे, इंटीजर का मतलब कि इसमें डेसिमल पॉइंट हम नहीं लेंगे। 5/6, जब हम 5 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 से डिविजिबल नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। उसके बाद हम 0/3 करेंगे तो 0/3 भी क्या आ जाएगा, 0। उसके बाद आ गया +8/3, 8 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो डिवीजन कितनी आएगी, 2, तो लेफ्ट साइड पे क्या आया था, 0, तो 0+2 क्या हो गया, 2, तो इसका सही आंसर है 2, मींस बी ऑप्शन। 8th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सी टोकन्स, मींस कि इनमें से कौन कौन से सी टोकन्स है। टोकन्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जो टोकन है ये सी प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई होती है या सबसे छोटी यूनिट होती है। इसमें आ जाते हैं कीवर्ड्स, कीवर्ड्स सी लैंग्वेज के रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका एक प्री डिफाइंड मीनिंग होता है, इनको हम बदल नहीं सकते। सी लैंग्वेज में टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं, और कीवर्ड्स हमेशा छोटे लेटर्स में लिखे जाते हैं, और हर कीवर्ड का अपना एक पर्पज होता है। कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट का मतलब कि कॉन्स्टेंट वो आइडेंटिफायर्स हैं या डाटा आइटम्स हैं जिनकी वैल्यू को हम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के टाइम बदल नहीं सकते। और सी है ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स का मतलब कि ऑपरेटर्स को सिंबल होते हैं जो किसी तरह की कैलकुलेशन करने के काम आते हैं, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड लेस देन ग्रेटर देन वगैरह। और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज, कि कीवर्ड भी आइडेंटिफायर है, कॉन्स्टेंट भी और ऑपरेटर्स भी। नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कीवर्ड इन सी लैंग्वेज, कि इनमें से कौन सा सी लैंग्वेज का कीवर्ड नहीं है, रिजर्व वर्ड नहीं है। ऑप्शंस है कॉन्स्ट, मेन, साइज ऑफ और वॉइड। कॉन्स्ट एक कीवर्ड है जो किसी कॉन्स्टेंट को डिक्लेयर करने के काम आता है, मेन एक फंक्शन है, साइज ऑफ एक कीवर्ड है जो किसी जो आपने डाटा टाइप लिया या वेरिएबल है लिया है वो कितने बाइट स्पेस कंज्यूम कर रहा है उसके बारे में बताता है, और वर्ड जो है वर्ड एक कीवर्ड है जो एक एम्प्टी फंक्शन डिक्लेयर करने के काम आता है। तो इनमें से जो मेन है वो कीवर्ड नहीं है, तो मेन क्या है, एक फंक्शन। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन सी इज, कि सी लैंग्वेज में कितने बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। ऑप्शन आर 5, 4, 6 और 7, इसका सही आंसर है 5। 5 कैसे, सबसे पहले स्लैश डिवाइड के लिए, उसके बाद स्टार मल्टीप्लाई के लिए, उसके बाद परसेंटेज मॉडुलस मींस रिमाइंडर के लिए, उसके बाद प्लस और माइनस, इसलिए आंसर क्या है 5,
इसी लैंग्वेज में पांच तरह के ऑपरेटर काम आते हैं, जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई रिमाइंडर और डिवीजन करने के काम आते हैं। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। नंबर वन, वेरिएबल इज सच क्वांटिटी दैट चेंजेस इट्स वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। कि वेरिएबल एक ऐसी डाटा आइटम है जहां क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू को हम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान बदल सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें कांस्टेंट की, कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू को हम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान बदल नहीं सकते, फिर किसको बदल सकते हैं? वेरिएबल को। नंबर टू, ए डिलीमिटर इज अ सिंबल दैट हैज ए सिंटैक्टिक मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। ये डिलीमिटर एक सिंबल होता है या चिन्ह होता है जिसका अर्थ वाक्य रचना होती है और उसकी एक महत्ता होती है, जो महत्व होता है। ये बिल्कुल सही है। डिलीमिटर में आपको पहले भी बता चुका हूं कि डिलीमिटर में क्या क्या आते हैं। डिलीमिटर में हैश, कॉमा, सेमी कॉलन, कर्ली ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रैकेट और कोलन वगैरह आते हैं। इनको सेपरेटर से भी बोलते हैं। नंबर थ्री, ए कैर डाटा टाइप ऑलवेज ऑक्यूपाइज 1 byte। जो कैर डाटा टाइप है ये 1 byte का प्रयोग करता है। कैर डाटा टाइप का मतलब कि जब हम सिंगल कॉमे में किसी एक करेक्टर डिजिट या स्पेशल सिंबल को स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं करेक्टर। अगर एक करेक्टर स्टोर कर रहा है तो इसकी जो लिमिट है वो भी कितनी होगी? 1 byte। ये भी सही है। नंबर फोर, द साइज ऑफ एन ऑपरेटर इज ए डाटा टाइप। कि कोई भी आपने ऑपरेटर लिया है उसका जो साइज है वो डाटा टाइप है। ये बिल्कुल सही है। और ऑपरेटर को सिंबल्स होते हैं, कुछ कैलकुलेशन करने के काम आते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, सेमीकोलन इज अ डिलीमिटर ऑफ 1 declaration। ये सेमीकोलन डेक्लरेशन का डिलीमिटर होता है। ये बिल्कुल सही है। सेमीकोलन के बारे में बताना चाहूंगा कि सेमीकोलन सी लैंग्वेज में किसी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के काम आते हैं। नेक्स्ट है राइट एन अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर दी फॉलोइंग। नंबर वन, द कंप्यूटर स्प्लिट्स ए प्रोग्राम इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स। कि कंप्यूटर एक प्रोग्राम को अनगिनत पार्ट्स में बांटता है, उसको क्या बोलते हैं? मीन्स कि सी लैंग्वेज में जब प्रोग्राम को अलग अलग पार्ट्स में बांटते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टोकन्स। टोकन के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि टोकन सबसे छोटी यूनिट होती है जो सी लैंग्वेज में यूज होती है। और टोकन के अंदर वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स, ऑपरेटर्स वगैरह आ जाते हैं और कीवर्ड्स भी आ जाते हैं। नेक्स्ट, नंबर टू, मॉडिफायर इज यूज्ड टू डिक्लेयर ए वेरिएबल एज ए कॉन्स्टेंट। कि अगर आप किसी वेरिएबल को एज ए कॉन्स्टेंट डिक्लेयर करना चाहते हो तो कौन सा कीवर्ड यूज होगा? तो इसका आंसर है कॉन्स्ट। कि कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से हम किसी वेरिएबल को एज ए कॉन्स्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू हम फिक्स रखना चाहते हैं, बदलना नहीं चाहते। नंबर थ्री, इफ ए इज इक्वल टू -11 एंड बी इज इक्वल टू -3 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए परसेंटेज बी। आपको बताना चाहूंगा कि सी लैंग्वेज में परसेंटेज का मतलब होता है मॉडुलस और मॉडुलस का मतलब होता है रिमाइंडर। जब हम किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो उसके बाद जो रिमाइंडर बचता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं परसेंटेज सिंबल या मॉडुलस सिंबल। इसके ऑप्शन हैं -2। -2 इसका आंसर कैसे आया है? इसका -2 आंसर आया कि 11 को हम जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 का टेबल पड़ेगा 3 × 3 9। मींस कि 9 तक गया, नीचे क्या बचा? इसमें फ्लोट यूज नहीं होता। फ्लोट का अर्थ होता है कि डेसिमल पॉइंट। लेकिन इसके बारे में आपने याद रखना है कि जो परसेंटेज ऑपरेटर है ये यूज होता है जब दोनों नंबर इंटीजर हों। जब हम 11 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया? ये टेबल जाएगा 3 × 3 9 तक और नीचे क्या बचा? 2। लेकिन जहां पे माइनस लगा है इसलिए साथ में क्या लगेगा? -2। फोर्थ, द नंबर ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज इज। कि सी लैंग्वेज में कितने रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं? इसका आंसर है 6। अब 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से हैं? रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में बताना चाहूंगा कि रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा सही या गलत रिजल्ट देते हैं। सही रिजल्ट 1 से कह सकते हैं कि शो होता है और गलत रिजल्ट 0 से। अब सी ऑपरेटर कौन कौन से हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ये शो ऑपरेटर है जो सी लैंग्वेज में एज ए रिलेशन ऑपरेटर काम करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन,
If we have star means multiply, slash means divide, bracket or modulus means percentage. Operators, then which of these have the highest precedence? कि इनमें से सबसे highest priority किसकी होगी? जैसे हम board mass में बात करते हैं, board mass का मतलब क्या होता है? Bracket, open, division, multiply, addition, subtraction, multiply, subtraction, ये आपको पता है. इसी तरह C लैंग्वेज में जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है वो किसको होती है? ब्रैकेट को. तो इसका हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका होगा? ब्रैकेट का. इसको ब्रैकेट को पैरेंथेसिस भी बोलते हैं. अगर आपकी इस वीडियो के बारे में कोई भी क्वेरी या सुजेशन है तो कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं. अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. थैंक्स, धन्यवाद.